हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं मैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज UPL कंपनी के स्टॉक के बारे में कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों छोटी बड़ी गिरावट हो रही है स्टॉक में। पर दिन लगभग नया रिकॉर्ड बनता है, लेकिन माइनस फिर दोस्तों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, नीचे आ जाता है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि हम क्या करें। दोस्तों देखो, अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो फिलहाल आपको एक बात बोलूँगा मैं कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप दोस्तों अभी बिल्कुल एग्जिट करने की गलती यहाँ पर मत करना। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको लॉन्ग टाइम के लिए टारगेट काफ़ी बड़ा होने वाला है। स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। फिलहाल आपको दोस्तों पता होगा कि अगर मैं एक मंथ के रिटर्न की बात करूँगा तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई थी। हाई गया था फिर नीचे आया। छोटी बड़ी गिरावट इसमें पर दिन होती रहती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी बात मत सोचो कि स्टॉक नीचे आ रहा है, हम एग्जिट करें। गलती आप मत करना यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब इस सपोर्ट टफ सपोर्ट बन रहा है 570 के आसपास का। मतलब प्लस मान सकते हो आप 2 रुपये और माइनस मान सकते हो आप कम से कम 2 रुपये। तो आपको यहाँ पे टफ सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक बायबैक होता है तो आपको 615 तक टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले बहुत जल्दी। दोस्तों समय लगभग एक मंथ लग सकता है, जनवरी के लास्ट तक आपको टारगेट दोस्तों हो सकता है कि 625 तक आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा है कि क्या मार्केट में स्टॉक नीचे आता है तो हम बाय कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बाय कर सकते हो इस प्राइस पे। अगर स्टॉक नीचे आता है मार्केट में तो दोस्तों आप अगर गिरावट होती है तो गिरावट का फायदा ले सकते हो दोस्तों एक तरह से। लेकिन जब दोस्तों हाई बनता है मार्केट प्राइस की तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिया, अगर टारगेट फॉलो कर रहे हो आप तो दोस्तों आपको अच्छी खासा रिटर्न इस शेयर से मिल सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो।